हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सारे लोग जल्दी से आ जाइए, फिर क्लास को प्रारंभ करेंगे। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। विजय कुमार, अभिषेक भास्कर, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और सारे लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, फिर आज शानदार सुपर 50 आज सेशन होने वाला है, शानदार क्लासेस होगी। सारे लोग एक बार साथी जुड़ जाएंगे एक बार, ओके। और सेशन को भी एक बार शानदार तरीके से शेयर कर देंगे, ओके। चलिए, और आज जो हम लोग करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को कल जैसा कि मैंने बताया था, आज 50 सवाल जो कि टॉप 50 सवाल होंगे आज, उसको हम लोग कराएंगे। चलिए सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। अमित कुमार कलम से क्रांति गुड आफ्टरनून, जय हिंद। अवधेश कुमार, अंकुर जाट, विश्राम, उत्कर्ष शर्मा, निहाल, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं सभी लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और सारे लोग एक बार शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग पहला सवाल का सेशन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आज पता है हम लोगों का तीसरा एनिवर्सरी भी है, तो कल मैं जब ये अनाउंसमेंट किया था कि मैं कल मैराथन लूंगा, मुझे ये बात याद नहीं थी। पता तो था 2 अक्टूबर, लेकिन याद नहीं था उस समय, लेकिन आज सही समय पर हम लोगों ने हर चीज किया है। चलो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज एग्जामपुर की एनिवर्सरी को भी यादगार मनाएंगे, और आज बहुत सारा दिन है, चलो 2 अक्टूबर बहुत सारे चीजों के लिए जाना जाता है। चलिए तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते। पहला सवाल आज का क्या है, जरा देखना ध्यान से। पहला सवाल है आज का, बहुत शानदार सा सवाल है, जरा ध्यान से आप पढ़ेंगे सवाल को। लिखा है 12 ओम के एक प्रतिरोध, 12 ओम का एक प्रतिरोध 0.1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध को एक मिनट टाइम आपका दिया है, 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। जल्दी जल्दी बताएंगे साथी आंसर, सुपर फास्ट तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दो, 60 आया, क्योंकि मैंने बताया Q is equal to IT, Q हमारा क्या आवेश, यहां पूछा क्या गया आवेश, पूछा गया क्या पूछा गया साथी आवेश, तो आवेश बराबर हमारा क्या होता है धारा बटा समय, धारा गुना समय। विद्युत धारा का मान क्या है 1.0 एम्पियर। चलिए, और समय हमारा 1 मिनट दिया गया है, हम इसको किसमें चेंज करेंगे, सेकेंड में। सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करेंगे, जो हमारा 1 into 1.0, ऐसे आप कर सकते हो 1.0 गुना 60 मिनट गुना 60 सेकेंड। चलो जल्दी से बताएंगे, आप जल्दी से बताएंगे साथी, इसको 0 0 कटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी से बताएंगे आंसर। चलिए साठ कूलम, बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी यहां पे थोड़ा सा एरर हुआ, 1 मिनट रुक जाओ। तो हमारा यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 60 कूलम, क्यों क्या हो जाएगा 60 गुना 0.1 को करेंगे हम लोग, 0 कटाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 60 कूलम, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है, 1 गुना 60, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, चार्ज को आवेश को हम लोग क्यू से व्यक्त करते हैं, और समय टी इक्वल टू चार्ज बटा समय किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक धारा के बराबर आई इक्वल टू क्यू बाई टी, विभांतर बराबर या प्रतिरोधकता बराबर या प्रतिरोध बराबर, जल्दी से बताएंगे साथी। चलिए सारे लोग एक बार जल्दी से शानदार तरीके से जुड़ जाएंगे। जितने भी मेरे प्यारे साथी एक बार सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। 2 का आंसर ए नंबर आया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि आई बराबर क्यू बाई टी होता है विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, तो आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई टी,
तो यहां हमारा q बाई टी दिया है, तो यहां पे क्या होगा हमारा i होगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई टी, i इक्वल टू विद्युत धारा, इक्वल टू विद्युत धारा बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय होता है। अगर धारा निकलना है तो आवेश बटा समय करेंगे, आवेश बटा समय करेंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। विद्युत धारा को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। विद्युत धारा को मेजर करते हैं हम लोग एम्पियर में। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारा तीन नंबर, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होगा, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में सर्वाधिक होगा, स्टील में, निकेल में, एल्यूमिनियम में या आयरन में। ध्वनि का जो स्पीड है सबसे ज्यादा किसमें होगा, ध्वनि का स्पीड बता दो, ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथी, ध्वनि का जो स्पीड है वो सर्वाधिक किसमें होगा, ध्वनि का स्पीड। एल्युमिनियम में, आपको बताया था कि एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है, एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है वो है 13। ये उभयधर्मी, ये एम्फोटेरिक होता है, मतलब एल्युमिनियम जो है और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक के बारे में मैंने कई बार पढ़ाया है कि एल्युमिनियम और जिंक, ये हमारा एक का परमाणु संख्या हमारा 13 है, एक का परमाणु संख्या हमारा 30 है। ये 13 और 30 जो है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला धातु भी जो है वो है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु भी एल्युमिनियम है, और साउंड का जो सबसे ज्यादा स्पीड होता है वो हमारा एल्युमिनियम में ही होगा। साउंड का सबसे ज्यादा स्पीड जो होगा एल्युमिनियम में होगा। मैंने बताया था 2018 में इस डाटा से बहुत सवाल पूछा गया था, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड में पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम, सॉलिड में पूछा जाएगा तो हमारा एल्युमिनियम होगा, अगर लिक्विड में हमारा सी वाटर होगा, लिक्विड में हमारा क्या होगा सी वाटर, और गैस में हमारा हाइड्रोजन गैस होगा। गैस में अगर पूछा जाए, गैस में ध्वनि का चाल गैस में सबसे ज्यादा किसमें होगा, हाइड्रोजन में, उसके बाद हीलियम, फिर एयर में, मिक्स एयर मतलब, तो यहां पे हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होगा। अगर लिक्विड में हमारा सी वाटर में सबसे ज्यादा होगा, 1000 ध्यान से देखना, 1531 मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में सी वाटर में, और सॉलिड में हम देखेंगे तो एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होगा। ये आप ध्यान में रखना, ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, लिक्विड में हमारा सी वाटर, गैस में हमारा हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल होगा, और सॉलिड में हमारा एल्युमिनियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, चूने के पानी में, ध्यान से देखना, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड, बताएंगे साथ ही आंसर, एकदम फास्ट आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए साथी, एक बार आप, आज आप लोग सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से, सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग एक बार शानदार तरीके से सेशन को शेयर करेंगे, ताकि हम लोग पहुंच सके आज 1000 बच्चे तक। ओके, एक बार सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे, आज शानदार तरीके से आप सेशन को शेयर करेंगे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, आंसर एकदम फास्ट आंसर आना चाहिए, 4 का ही नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है कैल्शियम, देखो चूने के पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पानी मतलब बुझा हुआ पानी, ध्यान से देखना, बुझा हुआ पानी, चूना CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, ये जब हमारा, जब चूना पानी को हम पेंट करते हैं दीवालों पर, दीवाल पर जब हम उसका पेंट करते हैं, पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, और यह CO2 से दीवाल पर क्या करता है, CO2 से अभिक्रिया करता है, जो हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये एक पतली जैसा व्हाइट परत बना लेता है, वो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारा ए नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा, ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यहां होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, और CaO का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। ओके, चलिए सारे लोग एक बार साथ ही सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे,
जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, पांच नंबर, जलने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करता है। जलने पर पीला रंग प्रदान करने वाला धातु पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या बेरियम। जलने पर पीला रंग प्रदान करने वाला धातु, जलने पर पीला रंग कौन प्रदान करता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या बेरियम। जलने पर पीला रंग प्रदान करने वाला धातु, जलने पर, तो सोडियम, आपको पता है सोडियम जलने पर पीला रंग प्रदान करता है, मैंने कई बार कराया है। सोडियम लाइट भी येलो कलर देता है जो रोड पर लगाया जाता है। दूसरा बात मैंने यह भी बताया था, कुछ कुछ और भी याद कर लो, जैसे पोटेशियम आप देख सकते हो बैगनी कलर का रंग देता है, यह हमारा क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम जो है बैगनी कलर का रंग देता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम आपको पता होगा केलियम होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम हमारा क्या होता है, केलियम होता है। तो ये हमारा पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या हमारा 19 है और ये एक प्रकार का धातु है। सोडियम भी एक प्रकार का धातु है और ये जलने पर पीला रंग प्रदान करता है। सोडियम जलने पर पीला रंग प्रदान करता है, तो सोडियम जलने पर पीला रंग प्रदान करता है, ये आपको ध्यान में रहेगा। पोटेशियम आपका बैगनी रंग प्रदान करता है। एक बार में दो ही चीज याद रखो, हमेशा बता रहा हूं, जब आप तैयारी करो ना, एक बार क्या होता है बहुत सारा ऑप्शन जब आप याद रखते हो 50-50 सवाल में जब चलते हो तो आपके पास लास्टली कुछ बचता नहीं है। हमारा फोकस एक क्वेश्चन को समझने पर रहना चाहिए हर एक टॉपिक पर, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। पौधों में जो सेल वाल का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, उसके जटिल वाल को क्या कहा जाता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, माल्टोज या सुक्रोज या सेलुलोज या लैक्टोज। एकदम सुपर फास्ट आंसर करेंगे साथी, जल्दी से बताएंगे। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। 6 का आंसर आ चुका है, सेलुलोज होगा। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, सेलुलोज। और पता है ये शाकाहारी, शाकाहारी जो जानवर होते हैं उसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है और उसकी छोटी आंत की साइज बहुत बड़ी होती है। तो जो सेलुलोज का सेवन करता है शाकाहारी, उसका आंत का साइज बड़ा होता है और मांसाहारी जानवर के आंत का साइज छोटा होता है, जैसे शेर का। और क्या होगा, आंत जो होगा वो छोटा होगा, छोटी आंत का साइज छोटा होगा, लेकिन खरगोश का आप ले लो बहुत बड़ी होगी। तो शाकाहारी के शरीर में जाएगा सेलवाल और सेलवाल में हमारा क्या होता है, सेलुलोज होता है। और सेलुलोज के डाइजेशन के लिए बड़ी आंत बड़ी होनी, छोटी आंत बड़ी होनी चाहिए, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होना चाहिए। यह हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पे, सी नंबर, सेलुलोज। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक विलयन में पानी 800 ग्राम है, विलयन में पानी जो है 800 ग्राम है और 200 ग्राम लवण की मात्रा है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। विलयन की सांद्रता, इसकी सांद्रता क्या है, जल्दी से बताएंगे। सर हर तरह के सवाल होंगे, आप एकदम टेंशन ना लेना, हर तरह का सवाल आपको मिलेगा, हार्ड, मॉडरेट, सब सवाल मिलेगा, आप एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, जरा सा भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो 7 नंबर, एक विलयन में पानी की 800 ग्राम मात्रा है, जरा से देखेंगे 20% हमने विलयन में क्या करेंगे, पहले टोटल, टोटल हमारा कितना हो गया 1000 ग्राम, टोटल हमारा कितना हो जाएगा साथी 1000 ग्राम। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है सांद्र, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर संतरा, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान क्या होगा, 1000 ग्राम होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान हमारा 1000 ग्राम होता, विलय की द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान कितना होगा 200 ग्राम, 200 ग्राम मिलाया गया तो क्या होगा, यह कट जाएगा सर कितने बार में, 5 1/5 क्या होगा हमारा 20% आता है, 1/5 का वैल्यू हमारा क्या होता है 20%, 1/8 आपने याद रखा होगा 12.5%, तो ये परसेंटेज का वैल्यू नॉर्मली इस तरह से आपको नहीं निकालना है, टोटल मात्रा, जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला जानते हैं कितना कितने में गुना 100, तो कितना 200 ग्राम कितने में, विलयन जो होगा हमारा, विलयन का बनता है विलायक और विलय, विलायक और विलय दोनों के मिलने से हमारा विलयन तैयार होता है, आपको मैंने बताया था, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा 20%। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, और आज आप लोग 50 सवाल में कितना नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा साथी, ताकि हम चीजों को एनालिसिस कर पाए, किस तरह के सवालों को ज्यादातर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट कर पा रहे हैं। ओके,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? आयरन क्लोराइड से मतलब फेरस क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी, सवाल पूछा है। जस्ता, चांदी, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, 10 सेकंड आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलो ठीक है, हमारा आज का आंसर क्या आ रहा है? विस्थापित नहीं करेगा। देखो, जब एक लड़का घूम रहा था किसी के साथ, आपको पता होगा, तो उस लड़के को हटा सकता है कौन? उससे स्मार्ट लड़का, उससे ज्यादा काला होगा, बंदर जैसा होगा, तो उसको नहीं हटा सकता है। वही बात है यहां धातु के साथ, जरा सा देखना। पूछा निम्नलिखित में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगा? लोहे को विस्थापित नहीं करेगा, तो जो लोहा से कम रिएक्टिव होगा वही तो नहीं करेगा, लेकिन लोहा से ज्यादा रिएक्टिव जो होगा, ज्यादा जो स्मार्ट होगा, वो तो कर ही देगा, लोहे को हटाएगा, बोलेगा मुझे आने दो। ठीक है, तो लोहा से कम रिएक्टिव कौन होगा? रिएक्टिव सीरीज आपने पढ़ा होगा, तो हमारा आयरन यहां पे है। देखो आयरन यहां, अगर हम बात करें जस्ता, जिंक, जिंक तो लोहे से ज्यादा रिएक्टिव, ये तो हटा ही देगा। नहीं हटाएगा पूछा है, तो हमारा क्या होगा? सिल्वर होगा, चांदी होगा, जो नहीं हटाएगा, क्योंकि ये आयरन से कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव सीरीज याद रखना बहुत जरूरी है, हमने आपको बोला हर एक नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे सांस, आपको अगर 5 मिनट ना मिले तो क्या होगा? हर एक समय ऑक्सीजन का जरूरत है, उसी तरह हर एक क्वेश्चन ऑक्सीजन की तरह है, अगर छूट गया तो विकेट गिर जाएगा। जरा से याद रखना, 19 परमाणु संख्या मैंने बताया था, एक दिन और, 19 11 20 12 19 11 20 12, चार रिएक्टिव सीरीज। मोस्ट रिएक्टिव मेटल अगर पूछेगा, सबसे ज्यादा 19, फिर 11, फिर 20, फिर 12। 19 में पोटेशियम, 11 में सोडियम, 20 में कैल्शियम और 12 में मैग्नीशियम। 19 11 20 12 19 11 20 12, नीचे से सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम जो होगा प्लेटिनम, फिर हमारा गोल्ड, फिर हमारा सिल्वर, कॉपर, सोना, चांदी, ध्यान में है आपका? सोना, प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना, चांदी, उसके बाद हमारा कॉपर है, तांबा है। तो चार नीचे से, चार ऊपर से, तो आपको याद रहेगा 19 11 20 और 12, 19 11 20 और 12 परमाणु संख्या के याद रखेंगे। नीचे में हमारा प्लेटिनम, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद कॉपर, नीचे से हमारा सबसे कम रिएक्टिव धातु और सबसे ज्यादा 19। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 19 है, उसके बाद हमारा 11 है, उसके बाद हमारा 20 है, उसके बाद हमारा 12 है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना। अब चलते हम लोग अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन को हम जब जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? किस तरह का ऑक्साइड होता है, जल्दी से बताएंगे साथी। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। सर आपके कहने पर, बस आपके आदेश के अनुसार मैंने ये मैराथन रखा, और ये आज आपकी जिम्मेवारी है कि सर हर लोगों तक पहुंचना चाहिए ये आवाज, हर लोगों तक पहुंचना चाहिए ये आवाज, ये सिर्फ आज आपकी जिम्मेवारी है। एक बार सभी लोग लाइक सेशन शेयर कर दो जल्दी से, सेशन को एक बार, 300 लोग देख रहे हैं, एक एक बार भी शेयर कर दिया तो भी हम लोग 1000 तक पहुंच सकते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मजा आए कि हमने जो ये मैराथन किया तो कुछ मिला भाई, कुछ फायदा तो हो रहा है। चलिए, जीवाश्म ईंधन का जो ऑक्साइड होता है वो हमारा अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड। इसका जो ऑक्साइड होता है जीवाश्म ईंधन, जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो मुक्त हमारा कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर का जो ऑक्साइड होता है, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड या सल्फर का ऑक्साइड, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है, और यह बाद में हमारा अम्लीय वर्षा कराता है, जिससे हमें काफी हानि होती है। अम्लीय वर्षा, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो चालक जब समान दिशा में धारा ले जाने पर, जब दो चालक, दो कंडक्टर, दो वायर, जब सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में दिशा में धारा ले जाने पर क्या होगा? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे,
चालक एक दूसरे को प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। क्या होगा सर, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर एकदम फास्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का ए नंबर, हमने एक इमेज दिखाया दो चालक, जरा ध्यान से समझना। यह सेक्शन जो है इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन की काउंटिंग पूरा कर रहे, यह सेक्शन इसलिए है कि आप एग्जाम में आंसर कर सके, अपने कॉन्सेप्ट को एग्जाम तक ले जा सके। जरा सा आप देखेंगे, जब समान धारा इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, तो दोनों में दो वायर है, फर्स्ट वायर एंड सेकंड अट्रैक्शन हो रहा है, एक का करंट ऊपर है एक का करंट, जब विपरीत दिशा में होगा तो रिपल्सन, विपरीत दिशा में होगा तो रिपल्सन, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन दोनों का एक ही हो, दोनों एक ही रास्ता में जा रहा हो, तब क्या करेगा, एक दोनों को देखेगा, अट्रैक्ट होगा। अगर विपरीत, एक उधर गया एक इधर गया, तब रिपल्सन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में। तो वायर वाला जब ऐसा सवाल आए, वायर वाला जब ऐसा सवाल है, तब हमें करना है सेम डायरेक्शन में जब होगा, जब डायरेक्शन हमारा समान होगा, एक ही रास्ता से जब दोनों जाएंगे, तो क्या होगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित कब करेंगे, जब एक का डायरेक्शन ऊपर होगा और दूसरा का डायरेक्शन नीचे होगा। याद हो गया होगा आपको, शायद आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। चलो अगला सवाल, 11 नंबर, जब डैश को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, किसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, भी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे, अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है। आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे भाई साहब, आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। डैश को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण, एक हमारा यह दर्पण होता है उत्तल दर्पण, जो क्या करता है, फैलाता है प्रकाश को, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर है, यह प्रकाश को बहुत फैलाता है। एक हमारा अवतल दर्पण है जो प्रकाश को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, अभिसारित करता, अभिसरण दर्पण, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज कौन करता है, प्रकाश को एक जगह लाने का काम कौन करता है, वो हमारा अवतल दर्पण कौन करता है, अवतल दर्पण, दर्पण में अवतल होगा, और ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्ज करता है, कन्वर्जिंग हमारा क्या अवतल और डाइवर्जिंग में हमारा होगा उत्तल, तो हमारा कन्वर्जेंस पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। अगर लेंस में पूछता, अगर यही सवाल हमारा लेंस में अगर पूछा जाता, ये तो दर्पण है अवतल दर्पण, कन्वर्ज कर रहा है सारे प्रकाश को, अगर लेंस में पूछा जाता कन्वर्जिंग लेंस कौन होगा, तब हमारा होगा उत्तल लेंस, दर्पण में हमारा अवतल दर्पण कन्वर्जिंग में, और लेंस में अगर पूछता तो उत्तल लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है, और अवतल लेंस जो है ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, ये प्रकाश को फैलाने में काम करता है, प्रकाश को फैलाने में काम करता है। तो दर्पण और लेंस दोनों में अलग अलग नेचर है, ये आप ध्यान में रखेंगे, दर्पण और लेंस में दोनों में अलग अलग प्रकृति है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है सर, आज 50 सवाल है, सुपर 50 क्वेश्चन जो आप करेंगे पूरे ईमानदारी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक डोबेरनर के ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है, लिथियम सोडियम, लिथियम कैल्शियम क्लोरीन, सोडियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम, लिथियम सोडियम, जल्दी से बताएं, लिथियम पोटेशियम और सोडियम, चार ऑप्शन है आपके साथ। निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेरनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है, डोबेरनर के ट्रिक नियम का प्रतिनिधित्व करता है, डोबेरनर ने ट्राइड रूल दिया था और सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाना भी स्टार्ट किया था जॉन डोबेरनर ने, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी, जल्दी से बताएंगे। चलो भाई मैं ही नहीं भागूंगा, सॉरी इसके लिए, चलो आराम से करा रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस आप गुस्सा मत सर, बस आपके लिए क्लास है, आप जैसे आदेश करेंगे वैसे पढ़ाऊंगा, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेरनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, डोबेरनर ने ट्राइड रूल दिया था, लिथियम हमारा क्या होगा, लिथियम पोटेशियम और सोडियम, हमारा करेक्ट आंसर होगा लिथियम पोटेशियम सोडियम, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होगा और सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताएंगे, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, और देखो
तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमारा 23 होगा, कितना होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होगा, और पोटेशियम का हमारा परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। जब 39 मतलब ऐसे लिखा होता है एग्जैक्टली, आप जब बुक में देखेंगे तो लिथियम और हमारा ऐसे लिखा होगा सोडियम और हमारा लिखा होगा पोटेशियम। जब हम 7 और 39 को जोड़ते हैं, 7 39 को जोड़ेंगे तो हमारा 46 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा 23 निकल कर आता है। और ये ट्राइड रूल था किसका, यही ऐसा रूल दिया था, पहला और तीसरे को जब हम जोड़ते हैं तो बीच वाले का द्रव्यमान निकल कर आता है सोडियम का। तो डबरेनर के ट्राइड रूल में लिथियम सोडियम और पोटेशियम था, कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम और बेरियम था, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन था। ये तीन तीन ग्रुप आपको याद रखना होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और नॉर्मली ये देख लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम का कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का और सल्फर सेलेनियम और टेलियम, चार था, स्क्रीनशॉट रख लो आप, एक सवाल आपके पेपर में आएंगे। ओके चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, गली में पीले लाइट किसका प्रयोग, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, नियोन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या सोडियम का। हम बोले ना पीला आए गली का लाइट हो या जलने में पीला रंग देता हो वो क्या होगा हमारा, सोडियम होगा। पता है आपको सड़कों पर व्हाइट लाइट के लिए मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट लाइट के लिए हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट लाइट के लिए हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं साथी। और दूसरा एक बात ध्यान रखना, ये येलो लाइट ठंडे दिन में ज्यादा यूजफुल होता है, ऐसा व्हाइट लाइट हम रोड पे क्यों नहीं लगाते हैं जो हाईवे है, क्योंकि ये जब ठंड का मौसम आता है तो येलो लाइट से हमें थोड़ा रास्ता ज्यादा दिखता है। अगला सवाल आपका है 14 नंबर, प्रायः धन आवेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, धन आवेशित तत्वों की संयोजकता बता दो, धन आवेशित तत्वों की संयोजकता बता दो। सर एक बार सभी लोग जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, शानदार तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। तो धन आवेशित जो होंगे, जो हमारा धातु है वो हमारा धन आवेशित है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर उसके आउटर सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और धातु के लास्ट में यूएम लगा होता है, क्या लगाता है यूएम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी एल्यूमिनियम कैल्शियम सोडियम, समझ में आ रहा है ना, केलियम फेरम अर्जेंटम एम लगा है, यूएम लगा है, वो सारा मेटल है। और जो हमारा धात्विक धनावेशित प्रकृति का होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो हमारा पॉजिटिवली जो चार्ज होता है वो हमारा मेटल होता है, और नेगेटिवली जो चार्ज होता है उसके आउटर सेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसे 7 है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसलिए मेटल में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और मेटल जो है हमारा वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, नॉन मेटल हमारा जो होता है वो एसिडिक प्रकृति का होता है, जैसे आप धातु बोले वो क्षारीय प्रकृति का धातु, किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का धातु होता है हमारा। नेक्स्ट सवाल हम लोग अगले सवाल में चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, सबसे जहरीला मछली कौन सी है, जल्दी से बताएंगे सबसे जहरीला मछली कौन सी है, पफर फिश पिरेनहास, जल्दी से बताएंगे सबसे जहरीला मछली कौन सा है, सबसे जहरीला मछली कौन सा है, सबसे जहरीला मछली कौन सा है बता दो। डी नंबर आंसर आया है, ए नंबर आ रहा है, मैंने बताया था पफर फिश जो होता है ये बहुत ही जहरीला मछली होता है, देखने में ही जहर जैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो पफर फिश याद रखना, पफर मछली जो होता है ये एक प्रकार का जहरीला मछली है, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था किस प्रकार सबसे जहरीला मछली कौन होता है, पफर फिश, याद रखना सर, आपने पढ़ा होगा पहले किसी न किसी क्लास में, हमारे 144 क्लास में कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा पफर फिश के बारे में। अपने पढ़ने का 80% समय हमेशा व्यक्त करना है रिविजन करने में, अगर आपको परफेक्ट बनना है, माइंड बॉल कॉन्सेप्ट, आप किसी चीज को पढ़ते हैं भूलते हैं, तैयारी कंप्लीट कब होगा, जब हमारा पूरा बॉक्स भरे यहां से निकले ना, तो इसमें डालते रहना है उठा उठा के जो भी चीज हम भूल रहे हैं, 80% आपको हमेशा अपने स्टडी आवर का रिविजन में देना है, और नया चीज तो रोज आपके क्लास में पढ़ ही रहे हैं आप।
क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना मैक्स प्लैंक, मार्क निकोलस, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड हिचकॉक। जल्दी से बताएंगे क्वांटम सिद्धांत, साथी एकदम फास्ट आंसर बताएंगे, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने किया था? 16 का आंसर ए नंबर आया मैक्स प्लैंक। और क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा, क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, क्वांटम संघ सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था, यह बात बिल्कुल है। लेकिन क्वांटम नंबर हमारे पास चार होते हैं, क्वांटम नंबर कितने होते हैं? चार होता है। क्वांटम नंबर क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा एग्जैक्टली, वो कौन बताता है? क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर चार प्रकार के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, जिसके द्वारा हम लोग कक्षा को दिखाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हम कक्षा को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? कक्षा को, सेल को दिखाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या दिखाता है? सेल को दिखाता है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है सर? ऑर्बिट को दिखाता है, सब सेल को दिखाता है, सब सेल को जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में उसको बोलते हैं द्विगांशी क्वांटम नंबर, द्विगांशी क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल को जो है कक्षक को, जो है कक्षक को दिखाने का काम, जो है कक्षक को दिखाने का जो काम करता है ऑर्बिटल को, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिखाता है वो स्पिन क्वांटम नंबर। और दो प्रकार का रोटेशन होता है, क्लॉक वाइज होगा तो प्लस वन बाय टू, और नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉक वाइज होगा माइनस वन बाय टू। ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर चार है, जो क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा को, उपकक्षा को एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को, कक्षक को, स्पिन क्वांटम नंबर किसको? स्पिन को, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगला सवाल है 17 नंबर, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मछली से जो प्राप्त होता है ऑयल वो किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जल्दी से बताएंगे, समृद्ध स्रोत है। साथ ही एक बार साथ देंगे, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, 330 से अधिक लोग देख रहे हैं सर, एक बार आप लोग 330 से अधिक साथी देख रहे हैं, एक बार आप लोग सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, शानदार तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए आंसर एकदम फास्ट आना चाहिए, और आज कमेंट में मुझे बताना सर हमने 50 में कितना क्वेश्चन सही किया। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली से जो प्राप्त होता है ये विटामिन डी का, विटामिन डी हमें धूप से, सूर्य प्रकाश से, और दूसरा मछली के तेल, दो ही प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास विटामिन डी का। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बोन जो है आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, रिकेट्स बीमारी हड्डी। तो विटामिन डी जो हमारा ये टैबलेट जो बनता है ये मछली के तेल से बनता है। कुछ विटामिन का रासायनिक नाम है ये आपको याद रखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लो साथी, और यहां से आपके एक सवाल पूछे ही जाते हैं विटामिन का। जैसे विटामिन ए का आप बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन डी आप देख पा रहे होंगे यहां है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ई का है टोकोफेरॉल, उसको टोको ही मत, समझ में आ रहा है, टोकोफेरॉल। विटामिन के का हमारा देख लो विटामिन बी1 थायमिन कहते हैं, B3 नियासिन कहते हैं। तो ये एक सवाल पूछा जाएगा, फोलिक एसिड बहुत पूछा जा रहा है अभी, विटामिन B9 का जो सवाल है, विटामिन B9 फोलिक एसिड कहते हैं हम लोग, फोलिक एसिड कहते हैं विटामिन B9 को, विटामिन B9 को हम लोग फोलिक एसिड। तो यहां से एक सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, जस्ट हम आपको बता रहे हैं सर, आपको ऐसे ऐसे चीजें करके रखना होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के सवाल को अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत लोगों से पीछे जाएंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज सवाल है, जब भी पूछा जाता है ये सब सवाल, हर लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब ये छोड़ने वाला सवाल नहीं रहता है। तो अगर आपको याद नहीं है, और एक दिन में ये याद नहीं होगा, मोर टाइम आप रिवाइज करेंगे। अगला सवाल 18 नंबर, स्तनधारी जानवरों का डैश होता है एक कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय, दो कक्षीय हृदय या तीन कक्षीय। तो स्तनधारी जो होता है, मैमल्स में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में? मैमल्स में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में? मैमल्स में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में?
जल्दी से बता दे साथी। चार क्वेश्चन हमने बताया जो मैमल होते हैं, मैमल जो होते हैं, मैमल्स हैव फोर चैम्बर्स ऑन हार्ट, हृदय में चार कक्ष होते हैं, चार कक्षीय हृदय होते हैं मैमल्स में, जो हमारा है वो चार कक्षीय हृदय होते हैं। हृदय कितने होते हैं? चार कोष्ठ पाए जाते हैं। कहां पे? हृदय में। मैमल्स हैव वार्म ब्लडेड, गर्म खून होते हैं इसके, मैमल्स के जो ब्लडेड होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। दो बातें याद रखना, और बच्चे को ये जन्म देते हैं, बच्चे को ये जन्म। तो चार कक्षीय हृदय पाए जाते हैं किसमें? मैमल्स में जो है चार कक्षीय वार्म ब्लडेड होते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी किस अंग में की जाती है? एंजियोप्लास्टी आपको पता होगा, एंजियोप्लास्टी किस अंग में? किडनी में, फेफड़ा में, हृदय में या पेट में? एंजियोप्लास्टी एक प्रकार का उपचार है, यह मानव शरीर के किस अंग में किया जाता है एंजियोप्लास्टी? सर आपका आंसर एकदम फास्ट आना चाहिए। एंजियोप्लास्टी, तो आपका करेक्ट आंसर आया सी नंबर, हृदय में जो है, हार्ट में जो है एंजियोप्लास्टी किया जाता है। क्यों? आपका हार्ट का पाइप अगर ब्लॉक कर जाए, हार्ट का पाइप, तो एक हम लोग ट्यूब लगाते हैं उसका बैलून फुला देते हैं, अगर हार्ट का पाइप आपका ज्यादा वसा फैटी चीजें खाते हैं तो एक एडसर ट्यूब लगा के फैला दे, इसी को कहते हैं हम लोग एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी आप देख पा रहे होंगे, ये आपके हार्ट का पाइप को में एक ट्यूब लगाकर उसको फैला दिया जाता है, फिर निकाल ले। तो ये जो होता है पाइप से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, इसी को हम लोग एंजियोप्लास्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हृदय। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी होता है? तो हृदय में हमारा एंजियोप्लास्टी होता है। अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान लगभग क्या होता है? रक्त का पीएच मान बता दो, जल्दी से बताओ। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? साथी एक बार बताएंगे, मानव रक्त का पीएच मान, एक साथी ने जवाब दिया 7.। मैंने बताया था रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.4 तक होगा। पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होगा? जिसका पीएच मान 7 होगा वो ग्रीन कलर का होगा। याद रखना, अगर आपका 7.4 से ज्यादा पीएच मान बढ़ गया तो भी आपका विकेट गिरेंगे, और कम आ गया तो भी आपका विकेट गिरेगा। दोनों तरफ विकेट गिरने का चांसेस ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.4। मानव रक्त के पीएच मान लगभग मान क्या होगा? 7.4। क्या होगा साथी? 7.4 होगा। नेक्स्ट सवाल आपका क्या? अगला सवाल 21 नंबर, लीमर क्या है? सवाल है व्हाट इज लीमर, लीमर क्या है? लीमर क्या है? मानव शरीर की एक हड्डी है, कैंसर के विकार का एक प्रकार है, एक साधारण मशीन है, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है लेमर। व्हाट इज लेमर? लेमर क्या है? सर ये जो होता है बहुत शानदार सेशन होता है हमारा फ्राइडे और सैटरडे का, जिसमें हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक रिवीजन, कहते हैं ना संडे को रिवीजन करना चाहिए, तो हम लोग फ्राइडे और संडे को रिवीजन करते हैं। और उससे क्या होता है, ये क्लास सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आपने पढ़ा लेमर, किसी ने किसी क्लास में पढ़ाई होगा ये सवाल, और अगर आज भी आपको याद है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डी नंबर, मेडागास्कर, मेडागास्कर कहां पाया जाता है? ये एक जानवर है सर लेमर, देखो। और ये बच्चा पाया कहां जाता है? तो मेडागास्कर आपको पता है, आपने वर्ल्ड मैप पे देखा होगा, अफ्रीका, अफ्रीका के किस साइड में? अफ्रीका में देखो जरा, इस जो हमारा है ये अफ्रीका, और यहां के राइट साइड में आप देखो, इस जगह को हम लोग कहते हैं मेडागास्कर। और मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है कौन? लेमर। ओके, ये भी आपका सवाल एनटीपीसी का ही था। ओके, चलते हैं अगला सवाल आपका क्या है नेक्स्ट। पक्षियों में डैश होते हैं, दो कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय, तीन कक्षीय हृदय या एक कक्षीय हृदय? पक्षी में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? पक्षी के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? पक्षी के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? पक्षी के हार्ट में जो है, पक्षी में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? पक्षी में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? चार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बताया देखो, बर्ड में जो है, पक्षी में जो है चार कोष्ठ पाए जाते हैं। पक्षी में आपका चार, मैमल्स में भी चार कोष्ठ, पक्षी में भी आपने चार कोष्ठ पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना, मेढक भी पूछता है, मेढक,
मेंढक जंप करता है, ट्रायंगल जैसा दिखता ही है मेंढक। मेंढक में पूछेगा तीन क्वेश्चन, एम्फीबियन है ये। एम्फीबियन का तात्पर्य है जो जल में और स्थल में दोनों जगह सरवाइव कर सकता, वो हमारा मेंढक। समझ में आ रहे हो? जैसे आप भी एम्फीबियन ही हो, मतलब समझ लेना, जल में भी तैर ही लेते हो। तो तीन कोष्ठ, पक्षी में चार कोष्ठ, हमारे जैसे ही मानव में भी चार कोष्ठ। आप देखेंगे आपका स्पाइडर में पूछा जाएगा, स्पाइडर में एक कोष्ठ होता है, और मछली में भी हमारा कितना होगा, मछली में भी हमारा दो कोष्ठ पाए जाते हैं, मछली के हृदय में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। तो जब मछली पूछेगा दो कोष्ठ, जब मछली पूछेगा तो दो कोष्ठ, जब आपका मेंढक पूछेगा तो तीन कोष्ठ, जब आपका पक्षी पूछेगा तो चार कोष्ठ, और जब आपका स्पाइडर में पूछेगा तो एक कोष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंढक के हृदय में तीन कोष्ठ पाया जाता है, ट्रायंगल जैसा मेंढक लगता ही है, पक्षी में हमारे जैसा ही होता है, और मछली में दो कोष्ठ होते हैं। मछली में दो तरफ मछली को ऐसे ऐसे करते देखा होगा आपने, दोनों तरफ इसके विंग्स होते हैं, तो दो कोष्ठ पाया जाता है मछली में, ऐसे याद कर लेना। स्पाइडर में एक कोष्ठ पाया जाता है, समझ में आ रहा, स्पाइडरमैन एक कोष्ठ। तो याद रखना, सारा याद हो गया होगा आपको कि पक्षी हमारे जैसा, मेंढक ट्रायंगल जैसा, और मछली ऐसा दो कोष्ठ वाला, और हमारा सिंगल स्पाइडर में पाया जाता है। 23 नंबर सवाल क्या होगा, देखो टाइप्स ऑफ रेप्टाइल में भी। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं, एक सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने साथी दे पाते हैं। समस्थानिकों के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले किसने दिया था? रेडियो केमिस्ट व्यक्ति थे, वो रेडियो केमिस्ट थे, फेडरिक सॉडी या कास डी एंडरसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, या जोसेफ प्रिस्टले ने? जल्दी से बताएंगे साथी, एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, रेडियो केमिस्ट व्यक्ति जिन्होंने समस्थानिकों के बारे में बताया था। आपको पता है हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। गुरुजी मेरी प्रेमिका छोड़ दिया है, क्या करूं, बस नौकरी ले लो, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास, नहीं तो कई लोग और भी छोड़ेंगे तुम्हें, बस एक बार नौकरी ले लो साथी, नहीं तो तुम्हें छोड़ते ही रहेंगे सभी दिन सभी लोग, ठीक है। पढ़ाई कर ले भाई, और इतनी बार कमेंट लिखे हुए तो ऐसे भी छोड़ देगा, मुझे भी मन कर रहा है ब्लॉक करा दूं तुम्हें, लेकिन चलो मैंने तो छोड़ दिया तुम्हें। समस्थानिकों के अस्तित्व का सुझाव, इसका आंसर बी नंबर आया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेडरिक सॉडी। समस्थानिकों का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये एक व्यक्ति थे, रेडियो केमिस्ट, रेडियो केमिस्ट थे फेडरिक सॉडी। याद रखना सर, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फेडरिक सॉडी ने। ये सब सवाल आपको सिर्फ यहां मिलेगा, क्योंकि ये सारे ओरिजिनल सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है और एग्जाम में पूछा जाता है। फेडरिक सॉडी, इन्होंने रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के बारे में बताया था, जैसे कार्बन का समस्थानिक C12, C14, परमाणु संख्या तो दोनों का 6 ही है। दूसरा बात, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में देखेंगे तो परमाणु के नाभिक का खोज, परमाणु के नाभिक का जो खोज किया था 1911 में, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक, नाभिक में हमारा रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे परमाणु के नाभिक में रहता है। अल्फा किरण का भी खोज, पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा किरण का खोज भी रदर। जोसेफ प्रिस्टले ने किसका खोज, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या था जल्दी से बताओ, कमेंट में बताएंगे। जोसेफ प्रिस्टले ने किसका आविष्कार किया था? जोसेफ प्रिस्टले, एक बार स्पीड में बताएंगे सर, जोसेफ प्रिस्टले। सर प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं क्लास ले रहे हैं? थोड़ा सा बिजी है इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा बुक और कंटेंट के ऊपर कुछ काम है इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। ओके, हम कुछ बच्चों के लिए ग्रुप डी का सेट बना रहे हैं सर, थोड़ा सा उस पर ऊपर काम, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं ले पा रहे हैं। लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आंसर बताओ, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जोसेफ प्रिस्टले, याद रखना हमेशा सांस जोसेफ प्रिस्टले जाता है और आता है, जोसेफ प्रिस्टले जो है हमेशा अंदर जाता है और बाहर आता है, तो जोसेफ प्रिस्टले याद रखना। परमाणु संख्या 8 है हमारा, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार, मतलब ऑक्सीजन तो पहले भी था, जोसेफ प्रिस्टले भी लेता था लेकिन बाद में बताया ये ऑक्सीजन है। चलो अगला सवाल, जैसे भास्को डिगामा ने बताया था भारत का खोज, अबे भारत तो तब था जब भास्को डिगामा का दादा नहीं था। अगला सवाल 24 नंबर,
क्वेश्चन 24 नंबर देखो, पीतल, पीतल निम्न में से किसके बनी होती है? पीतल किसका? तांबा, जस्ता, तांबा क्लोराइड, तांबा लोहा। ये सवाल कई बार आपने पढ़ा होगा, हर लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन डाउट हमेशा रहता है। पीतल, चलिए एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, लगभग 400 साथी तो देख रहे हैं, एक बार शेयर कर दी, जिसने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अब आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसने नहीं किया एक बार ईमानदारी के साथ सेशन को शेयर कर ले। आज हम लोग सुपर 50 सवाल करने वाले हैं। तो पीतल निम्न में से किसमें बनी एक मिश्र धातु है? जब भी मैंने बताया था ना आपको दो सवाल, हमेशा आप डाउट में रहते हैं। बहुत लोगों को पीतल क्या है सर, हमारा एक पीतल है, दूसरा हमारा कांसा है, दूसरा हमारा क्या है, कांसा। तो पीतल जो है हमारा वो हम 29 और प्लस 30 करते हैं, 29 और 30, 29 में हमारा क्या है, कॉपर है, और 30 में हमारा जिंक है, और मैंने कांसा में बताया 29 प्लस 50, 50 में हमारा स्टेनम है। तो कांसा जैसे देखो, पीतल तीन शब्द वाला आएगा तो 29-30 सीक्वेंस में, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, पीतल तीन शब्द वाला आया ना तो हमारा 29-30, 29 के बगल में 30, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक खोजो किधर है, कॉपर हमारा 29 है, तांबा 29, 30 में हमारा जिंक। जैसे ही हमारा आएगा कांसा, कांसा डटमन दो शब्द, कांसा जैसे ही आएगा साथी, कांसा जैसे ही आएगा हमारा तांबा 29 और 50 हो जाएगा, 29 प्लस 50, 29 प्लस 50, मैंने कई बार बताया है, ऐसे आप याद रखेंगे, बहुत आसानी के साथ आपको याद रहेगा। ओके, और परसेंटेज देख लो, आप पूछेगा सर इसमें परसेंटेज कितना है, तो यहां ऐसे कर लो, हाँ जिंक का परमाणु संख्या 30 है तो 30% होगा, और ये 70% है, ये भी आसान है, देख लो परसेंटेज भी बता दे, परमाणु संख्या था परसेंटेज भी हमारा आ जाएगा, तो एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार शेयर नहीं करते। सर आपका एक क्लास और मैं चैप्टर वाइज, मतलब इस बार ग्रुप डी में जब एग्जाम देने आप बैठेंगे ना, लगेगा ये सब सवाल तो हमने 50 बार कर लिया, चैप्टर वाइज प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर समाप्त करेंगे, मतलब 30 क्लास में 30 चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसका भी डेट अनाउंस करेंगे बहुत जल्द। चलो अगला सवाल, अगला 25 नंबर, CO2 के आज सवाल कितने हैं 50, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा, 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान बताएंगे, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 2, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है 16 गुना 2, 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 हमारा एक का जो द्रव्यमान आएगा वो 44 यूनिफाइड मास आएगा, यूनिफाइड सॉरी एमयू बोल सकते हैं आप, यूनिफाइड मास बोल सकते हैं, तो 44 आएगा, तो पूछा है 10 का, तो 44 गुना 10 हम करेंगे तो 440 आएगा, कितना आएगा हमारा करेक्ट आंसर 440, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार अगला सेशन हम लोग, मनुष्य के जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक, कई बार कह दिया हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए दो अलग अलग बातें हैं, उसका सवाल क्या, कंडरा तंतु तंत्रिका कक्ष उर्विका, फास्ट तरीके से आंसर करेंगे, पूरा सुपर फास्ट आंसर आपका आना चाहिए सर। चलिए आपको डेली मैं बोलता हूं, कल संडे है, कल मस्ती से आप पूरा मस्ती कर लो, एक दिन सप्ते में पूरा एंजॉय कर लो सर, जब एग्जाम करीब रहे नहीं, लेकिन आपको मस्ती तभी करना होगा जब आप सही से 6 दिन पढ़ना, ऐसा नहीं कि 6 दिन मस्ती कर रहे हैं और संडे को भी वही कर रहे हैं, अगर 6 दिन दम लगा के मेहनत कर रहे हो तो एक दिन आपके लिए, भारत आजाद हुआ है और आप भी उसी में है, तो एक दिन मस्ती कर लिया करो, लेकिन डेली मत क्या करो भाई, तो हमारा टेंडन होगा। देखो दो चीज, जब बॉन टू बॉन जुटेगा, बॉन प्लस बॉन आएगा सवाल, तो हमारा लिगामेंट होगा, बॉन प्लस बॉन होगा तो लिगामेंट, अगर बॉन प्लस हड्डी को मांसपेशी से मसल से जोड़ता है, ये जो छोटा वाला पूछ दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं कंडरा, जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं, बॉन टू बॉन पूछेगा लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, लेकिन बॉन को मसल से जोड़ने का, मांसपेशी से जोड़ने का जो काम करता है, ये हमारा मांसपेशी है पैर का, ये हमारा नीचे का हड्डी है, इससे जोड़ने का जो काम करता है ये हमारा टेंडन, ये हमारा टेंडन जिसको कंडरा कहते हैं।
अगला सवाल, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। जल्दी से बताएंगे साथी, डैश का प्रयोग किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, एकदम सुपर फास्ट तरीके से आपका आंसर आना चाहिए, सुपर फास्ट तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति, तो डी नंबर आंसर आ रहा है, एनीमोमीटर का इस्तेमाल, थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने में, स्पीडोमीटर गाड़ी का स्पीड बताता, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को, और आपको पता है ये छत के ऊपर टावर के ऊपर लगा दिया जाता है, एनीमोमीटर जो क्या बताता है सर, हवा की शक्ति और वेग का पता करता है, हवा की शक्ति और वेग के बारे में बताता है, वो हमारा जो यंत्र है वो हमारा एनीमोमीटर, अपने छत पर लगा लेना और वही बताएगा आपके हवा की शक्ति और वेग। एक बार साथी सेशन को शेयर कर लिया करेंगे। 28 नंबर को क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28, एक मिनट, जस्ट एन एरर है भाई, बस एक बार, जस्ट वन मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे, जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 28, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में, काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, जल्दी से बताएं, भारत के किस राज्य में काकरापार परमाणु स्टेशन है, जल्दी से बताएंगे साथी, आंसर राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र में। तो काकरापार अगर देखेंगे आप, काकरापार जो है आपका ये गुजरात में है, कहां है काकरापार, तो आपका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। तारापुर आपका महाराष्ट्र में, तारापुर आपका क्या है महाराष्ट्र में। राजस्थान के विषय में बात करें तो रावत भाटा, रावत भाटा आपका राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा, टोटल भारत में 22 परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कितने हैं 22 परमाणु ऊर्जा केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र टोटल कितने हैं 22 हैं भारत में। और आपको यह भी बात पता होना चाहिए क्या, कि भारत के कुल बिजली उत्पादन का 3.3% बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा गृह से करते हैं, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र का प्लांट क्या है, कुंडलकुलम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, कुंडलकुलम। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट क्या है, कुंडलकुलम, जो कि कहां है तमिलनाडु में है, कुंडलकुलम। काकरापार आपका कहां है गुजरात में, रावत भाटा आपका कहां है राजस्थान में, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में, नरोरा पावर प्लांट कहां है उत्तर प्रदेश में, और आपका तारापुर पहले था सबसे बड़ा भारत का बिजली उत्पादन करने वाला परमाणु ऊर्जा प्लांट, लेकिन अब आपका हो गया कुंडलकुलम जो कि तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल 29 नंबर, 240 वोल्ट और 0.1 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब का पावर ज्ञात करना है, बल्ब लेके आया ना पावर, जल्दी से वाट में हम लोग दिखाते हैं, कितने वाट का बल्ब लेके आ रहा भाई, पूछते हो ना आप, तो बताओ पावर क्या, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब का पावर बताएंगे। चलो सभी साथी एक बार शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे सर, आज तो कम से कम 1000 बच्चे आने चाहिए, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे शानदार तरीके से। 240 वोल्ट 0.6 एम्पियर, तो हमने यहां 144 आ रहा है, क्या बताया था पावर इक्वल टू वी इंटू आई, वी हमारा क्या है वोल्ट, 240 वोल्ट, पी इक्वल टू क्या है मैंने बताया वी इंटू आई, V into I, पावर बराबर V into I, I हमारा विद्युत धारा है, एम्पियर को हम लोग I, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, सूचित करते हैं I से, V हमारा कितना 240, 240 गुना 0.6 एम्पियर, इसको हटाएंगे यहां 10 आएगा, इसको कटाएंगे 24 गुना 6, 144 वाट आएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 144। तो बल्ब का पावर आपको समझ में आएगा, P इक्वल टू वी आई, याद रखना यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, V हमारा वोल्टेज है और I हमारा एम्पियर है, जब वोल्टेज और एम्पियर को हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पता चलता है बल्ब का पावर क्या है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपका क्या है 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है, मतलब वो परमाणु संख्या एक ही ग्रुप का होगा, पीरियोडिक टेबल में हमारे ग्रुपों की संख्या 18 है, तो एक ग्रुप से 13, 31, 14, 33, 12, 30, 11 और 20, बताओ भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं सिकंदर कौन है, देखते हैं सिकंदर कौन है, आंसर बता दो एक बार,
चलिए 13 में हमारा एल्युमिनियम है और 31 में हमारा क्या है गैलियम है, जरा देखते हैं। 13 परमाणु संख्या 13 में एल्युमिनियम और गैलियम दोनों एक ही ग्रुप में है, दोनों हमारा क्या है एक ही ग्रुप में। एल्युमिनियम उभयधर्मी नेचर का होता है, गैलियम हाथ पर पिघलने वाला धातु हमारा गैलियम है। तो यहां पे जो हमारा होगा एक ग्रुप में जो है 13 और 31 होगा एक ग्रुप। आपको पता है हमारे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या है वो आवर्त की संख्या कितने हैं, 7 है। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये हमारा तीसरा आवर्त है, ये हमारा चौथा आवर्त है। इस तरह से आवर्तों की जो संख्या है वो हमारा आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है, ग्रुपों की जो संख्या है वो 18 ग्रुप है, ग्रुप कितने 18, समझ में आ रहा है। और तत्वों की संख्या 118 है, तत्वों की संख्या 118 है। और 7 इसमें उपधातु है, मेटलाइडो की संख्या बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक ये सब हमारा क्या उपधातु है, 7 हमारे उपधातु है इसमें। ये तीन ही चीजों से बना है, धातु और धातु उपधातु, जैसे आप देखते हैं मेल फीमेल और तीसरा ट्रेन वाला जेंडर, यहां भी तीन ही जेंडर है, या तो मेटल है या तो नॉन मेटल है या तो मेटलाइड है, समझ में आया। अगला सवाल, निम्नलिखित में क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ड्यूटेरियम रेडियम ट्राइटियम या प्रोटियम, बताओ जल्दी से आंसर, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बता दो। और आज आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो भाई, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। निम्नलिखित में क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है, हमने बताया ना हाइड्रोजन का तीन जुड़वा भाई है, एक चोर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, सबका परमाणु संख्या एक है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम इसको हम लोग लिखते हैं क्या D2, और जब इसी को D2O कर देते हैं तो हम कहते हैं भारी जल, इसको हम लोग T3 लिखते हैं, T3। तो हमारा यहां जो होगा ड्यूटेरियम जो होगा ये हमारा D2 है भाई साहब, ये हमारा ट्राइटियम T3 है सर, ये हमारा प्रोटियम है सर, ये नॉर्मल हाइड्रोजन को आप जो प्रोटियम बोलते हैं, ये तीनों तो हमारा समस्थानिक है, लेकिन ये हमारा रेडियम नहीं है समस्थानिक, किसका हाइड्रोजन का, समझ में आया साथी, रेडियम जो है वो समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का। ओके साथी, अगर सेशन आपको बेहतर लग रहा हो तो एक बार बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर करते जाएंगे। 32 नंबर सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32। तत्व एक्स चतुर संयोजक है, तत्व एक्स जो है वो चतुर संयोजक है, तत्व वाई जो है वो द्वि संयोजक है, इन दोनों तत्वों द्वारा बने यौगिक कैसा होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का सवाल है। तत्व एक्स चतुर संयोजक है और तत्व वाई जो है वो द्वि संयोजक है, देखो एक्स में जो है इसकी संयोजक 4 और वाई सर द्वि संयोजक, तो ये क्या होता है क्रॉस जाता है, जब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा सर, तो यहां क्या आ जाएगा सर 2 और यहां क्या हो जाएगा 4, और ये कटेगा तो क्या बच जाएगा एक्स वाई, क्या बचेगा सर यहां 4 आएगा और यहां 2 जाएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए एकदम फास्ट, एक्स वाई 2, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सी नंबर होगा, जैसे NaCl में देखते हो गया NaCl क्लोरीन, यहां पे क्या है संयोजकता एक्सचेंज होता है एक्स वाई 2। बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में, 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी एल हो तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बताएंगे सर इसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होगा, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त की गहराई एल है, श्रृंग और गर्त की गहराई जो है वो एल है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो वेवलेंथ क्या होगा जल्दी से बता, एल होगा 2L होगा 3L होगा एल बाई 2 होगा, वेवलेंथ पूछा गया तरंग दैर्ध्य, दो श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसका आंसर क्या होगा 2L, ये जो है इसका दुगुना होगा जो हमारा होगा 2L जो होगा वो हमारा होगा वेवलेंथ, ये हमारा क्या है वेवलेंथ, समझ में आ रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा 2L, क्या होगा 2L होगा। अगला सवाल हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्त में 8-8 तत्व मौजूद हैं,
कौन से दो आवर्त में आठ आठ तत्व तो मौजूद है। हमने बताया आवर्त की संख्या जो है वो कितने हैं, सात है, तीन चार पांच छह सात। मैजिक नंबर आपको मैंने बताया था, मैजिक नंबर आपको शायद मैंने बताया था, याद होना चाहिए आपको, मैजिक नंबर आपको बताया था दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस 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 और बत्तीस। तो आठ आठ पूछा है तो आवर्त दो और तीसरे आवर्त में जो है, दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है, दूसरे और तीसरे आवर्त में हमारा आठ आठ तत्व मौजूद है, दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है हमारा आठ आठ तत्व मौजूद है। समझ में आ रहा है, दूसरे और तीसरे आवर्त। बहुत लोगों ने आंसर गलत भी किया है तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। अगला सवाल है, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। ये हमारा जो सिंबल है ये सिग्मा बॉन्ड का है, ये हमारा पाई बॉन्ड, पाई आवंद की संख्या कितनी है बेंजीन में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये एलपी एल असिस्टेंट लोको पायलट का सवाल है। सर अभी 35 सवाल 15 सवाल और बचे हैं आपके लिए, पूरा सेक्शन को कंप्लीट करके आप जाएंगे, अन्यथा आप आदेश करते हैं, हम मैराथन कराते हैं और आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर इसीलिए 25 क्वेश्चन ही करो डेली, क्यों फिर 50। चलो ए नंबर आपका 35 का ए। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पहले ध्यान रखो, पहले जहां सिंगल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड, एक हमारा होता है डबल बॉन्ड, एक हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड में पाया जाता है, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में जरा यहां देखो, यहां जरा सा आप देखेंगे जो बेंजीन का पहले सूत्र देख लो, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। और आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है जल्दी से, 33 का L होगा, ए नंबर आ रहा है 12 और 3, ठीक है। इसमें एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में, इसमें आपका क्या होगा एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। इसमें हमारा क्या होगा एक सिग्मा बॉन्ड और डबल पाई बॉन्ड होगा इसमें, इसमें हमारा पाई बॉन्ड कितना होगा डबल होगा, जहां पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपको याद रखना, जहां सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, जहां ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा। तो हमारा बेंजीन में देख लो, बेंजीन में देख लो स्ट्रक्चर संरचना सूत्र, तो यहां पर जो हमारा होगा 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होगा इसमें 3 ही होगा, एक यहां पे होगा एक यहां पे होगा एक यहां पे होगा, इसमें हमारा एक एक पाई बॉन्ड छिपा होगा, तो पाई बॉन्ड की संख्या 3 और सिग्मा बॉन्ड हमारा 12 होगा ये। ओके नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, अगला सवाल, बेंजीन जो है एक रंगहीन मीठी गंध वाला एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य होता है, कौन बेंजीन, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला एक द्रव्य होता है। 36 नंबर, श्रृंखला में जुड़ी 20 ओम क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है सर, तो यहां पे श्रृंखला में पूछा, सीरीज में पैरेलल सीरीज में पूछता तो 1/R1 होता प्लस 1/R2 होता, तो ऐसे नहीं सीरीज में पूछा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, तो सीरीज में पूछा गया है, जब सीरीज में पूछा है सीरीज में तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहां क्या होगा 60 ओम का प्रतिरोध होगा। पैरेलल सीरीज में 1/R टोटल 1/, इसमें जो प्रतिरोध कम होता है, इसमें प्रतिरोध क्या होता है हमारा कम होता है, इसमें हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है, सीरीज में हमारा प्रतिरोध ज्यादा होता है, पैरेलल सीरीज में जो होता है हमारा रेजिस्टेंस कम होता है। अगला सवाल, घटती हुई प्रक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को किस प्रकार से जाना जाता है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित जो रिएक्टिव सीरीज जो घट रहा है उसको किस नाम से हम लोग कहते हैं, प्रवाहकत्व तो कहते हैं या इलेक्ट्रिक अपचयन कहते हैं या गतिविधि श्रृंखला कहते हैं या प्रतिक्रियात्मकता कहते हैं, क्या बोला जाता है बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार बता दो साथी। तो ये जो हमारा घटती हुई प्रतिक्रिया, एक मिनट, घटती हुई प्रतिक्रिया जस्ट वन मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिएक्टिव चैन गतिविधि श्रृंखला कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो,
इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव चैन, रिएक्टिविटी चैन कहा जाता है, गतिविधि श्रृंखला कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, गतिविधि श्रृंखला। आपने देखा होगा ना, जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारा क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद हमारा क्या है सोडियम है, उसके बाद हमारा क्या है कैल्शियम है, उसके बाद हमारा क्या है मैग्नीशियम है। तो ये हमारा रिएक्टिव सीरीज जो है उसको हम लोग एक्टिविटी चैन कहा जाता है। सबसे कम हमारा प्लेटिनम है, सबसे कम प्रत्यय, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी, मैंने ये आपको कराया है। तो उसको हम लोग गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल, उस प्रक्रिया को क्या नाम कहा जाता है जिसमें गैस सीधे ठोस में, जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित होता है, गैस से सीधा सॉलिड में, गैस से सॉलिड में। अब यहां पे देखो, गैस से सॉलिड में, गैस से सॉलिड में जाता है उसको हम लोग, गैस से सॉलिड में डिपोजिशन होता है हमारा, गैस से सॉलिड में जाना हमारा डिपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन जो है ये हमारा गैस से सीधा सॉलिड में जाता है। यही दो सवाल, गैस से सॉलिड या सॉलिड से सीधा गैस में, कपूर, नेप्थिलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा सब्लिमेशन जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। जब हमारा सॉलिड से गैस में जाता है तो ऊर्ध्वपातन, और जब गैस से सॉलिड में जाता है इसको डिपोजिशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ये आपको ध्यान में होगा, डिपोजिशन इसको कहा जाता है। साथी एक बार सेशन को सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल आपका 39 नंबर, इसको हम लोग रिएक्टिव चैन कहते हैं, गतिविधि श्रृंखला यही है हमारा। अगला सवाल 39 नंबर, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, प्लेटलेट, प्लाज्मा, WBC, व्हाइट ब्लड सेल या RBC। रक्त का इनमें से कौन सा घटक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन 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 करता है। और इसका आंसर हमारा डी नंबर होगा, रेड ब्लड सेल जो है हमारे बॉडी के अंतर्गत जो है ऑक्सीजन का परिवहन का, फेफड़ा से देख लो प्यूरिफाई ऑक्सीजन शरीर में आता है, ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में क्या करता है ऑक्सीजन, ये जो रेड ब्लड सेल है ये पूरे शरीर में O2 पहुंचाने का काम करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा रेड ब्लड सेल। क्या होगा? रेड ब्लड सेल, समझ में आ रहा? सुरक्षा पहरी हम लोग किसको कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल को, WBC को हम लोग सुरक्षा पहरी कहते हैं, समझ में आ रहा? अगला सवाल हमारा 40 नंबर है और 10 सवाल बचे हुए, शानदार तरीके से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग 10 सवाल 10 मिनट, एक बार सभी लोग शिक्षण को शेयर कर देंगे शानदार तरीके से। फास्ट सर, बिल्कुल। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, पीछे की ओर उड़ने वाला, हमिंग बर्ड की भी जल्दी से बताएंगे। तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है वो हमारा होगा हमिंग बर्ड, जो पीछे की तरफ सबसे छोटी पक्षी है और पीछे की ओर उड़ने वाला मात्र एक पक्षी है वो हमारा होगा हमिंग बर्ड, जो पीछे की तरफ उड़ती है ये पक्षी हमिंग बर्ड होगा। नेक्स्ट सवाल 41 नंबर है, किसी भी तत्व के समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, समस्थानिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, जरा साथी आंसर बताएंगे फास्ट से। उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होता है, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। किसी भी तत्व के समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। यह सब थोड़ा थोड़ा कुछ नया सवाल भी आपको मिल जाता होगा जो पहले नहीं कराया मैंने कभी, जल्दी से बताएंगे। मंडे से 1 बजे आपको बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में अब्सेंट नहीं करना है मेरे प्यारे साथी, किसी भी समस्या में आपको अब्सेंट नहीं करना है मंडे से, क्योंकि आपका चैप्टर वाइज जैसे बायोलॉजी चल रहा था वो चलेगा, और फ्राइडे और सैटरडे आपके आदेशा अनुसार जैसा आप कहेंगे। एक टाइम और भी आप लोगों के लिए अनाउंस करने वाले हैं, जैसे भी हमारा डेट एग्जाम का अनाउंस हो जाए चैप्टर वाइज डिस्कशन कराएंगे। और इसका आंसर सी नंबर, बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी, तो गलत, बिल्कुल उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा। तो हम लोग यहां 3 बात सीख लिए, उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जैसे हाइड्रोजन देख लो, इनकी परमाणु क्रमांक जो होगा वो समान होगा लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होगा, द्रव्यमान हमारा क्या होगा अलग अलग होगा,
द्रव्यमान हमारा अलग अलग होगा, उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, उनके भौतिक गुण भिन्न होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंस, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है, याद रखना समस्थानिक का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होता है। दे हैव अ सेम मास नंबर, ये गलत स्टेटमेंट है, दे हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो समान होता है, रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं, इसका याद रखना, रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण अलग, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, चार बातें याद रखना समस्थानिक। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी नंबर। अगला सवाल, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पचास जूल, मैंने आपको बताया था कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में किया गया कार्य, तो बल हमारा 10 न्यूटन का और कार्य हमारा बल की दिशा में किया गया विस्थापन है 2, तो 10 गुना 2 हमारा क्या होगा, केजी से क्या मतलब है, बल केजी से यहां क्या मतलब है, 20 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो, कार्य जो होगा हमारा वो 20 जूल का होगा, केजी से बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, तो 2 मीटर का हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो केजी आपको गलत कराने के लिए लिख दिया सर, केजी तो आपको गलत कराने के लिए लिखा था और आपने कर भी दिया, इन सब बातों को ध्यान रखना, कई बार पढ़ने के बाद भी। ऑन्कोलॉजी, ऑक्नोलॉजी, ऑक्नोलॉजी किस बीमारी का उपचार से संबंधित है, ऑक्नोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है, ऑक्नोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है, ऑक्नोलॉजी जल्दी जल्दी बताएंगे साथी, ऑक्नोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है हमारा, ऑक्नोलॉजी तो ये हमारा जो आंसर होगा वो ऑक्नोलॉजी जो होगा, ऑक्नोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, कैंसर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा वृक्क संबंधी जो बीमारी होती है, किडनी संबंधी जो बीमारी होता है उसको हम लोग रेनल फेल्योर कहते हैं, जो किडनी संबंधी बीमारी होता है उसको हम लोग रेनल फेल्योर कहते हैं। अगला सवाल 44 नंबर, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, विरलन कहलाता है, अनुनाद कहलाता है, संपीड़न या दोलन, जो ध्वनि कंपन करता है साथी, जब ध्वनि कंपन करता है तो सघन और विरल माध्यम होते हैं, तो सघन माध्यम को हम लोग संपीड़न ऑसिलेशन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न या ऑसिलेशन, विरलन कहते हैं हम लोग, विरल माध्यम को हम लोग विरलन कहते हैं, विरल माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं विरल माध्यम को। अगला 45 नंबर सवाल, पूरा सवाल करके जाएंगे, 5 सवाल 6 सवाल और बचा है, निम्नलिखित में किस तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP3 होता है, बताओ, ये क्वेश्चन अगर बता रहे हो तो आप जरूर करेक्ट करके आएंगे एग्जाम में, पैतालीस का देखो, 45 का जो डी नंबर होगा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या देखो, एम तो क्या है, नंबर ऑफ सेल, आप अगर आपको पता होगा SSP मैंने आपको कराया, 1s2, 2s2 और 2p कितना होगा, 2 2 4 3 7, तो 2p3, तो हमारा नाइट्रोजन इसकी परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या इसका 14, वायुमंडल में 78% पाया, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगा, प्रोटॉन भी हमारा क्या होगा, इसको 7 का बीमारी लगा हुआ है, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 7, ये नाइट्रोजन है, समझ में आ रहा है, इतना बात हम नाइट्रोजन के बारे में बता सकते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, ओके, 1s2, 2s2, 2p3। अगला सवाल 46 नंबर, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या एक से ज्यादा होगा, द्रव्यमान संख्या एक से ज्यादा होगा, इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है, इसको हम लोग आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोटोप, अंग्रेजी में लिखा समस्थानिक, किस क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ओनली मेरा सही हुआ,
चलिए कोई बात, तो जंग तब जीतोगे सर, जंग तब जीतोगे जब आप मेहनत और रणनीति उसी डायरेक्शन में, मेहनत का डायरेक्शन पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, तब आप जीतोगे, रणनीति बेहतर जिसका हो। 47 नंबर क्वेश्चन, समभारिकों में क्या होते हैं, समभारिक मतलब भार समान होगा तो क्या होगा, समभारिक में मैंने आपको बताया था, समभारिक में जरा ध्यान से देखो, यह नाइट्रोजन की परमाणु से, परमाणु संख्या अलग अलग होगा, परमाणु संख्या अलग, द्रव्यमान समान होगा, आर्गन और कैल्शियम का परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन मास अलग है, समभारिक भार समान, तो समभारिक में क्या होगा, आइसोबार में क्या होगा, समान भार संख्या किंतु भिन्न परमाणु संख्या, परमाणु संख्या तो अलग होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, ए नंबर जो हमारा होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 47 का हमारा जो आंसर होगा। और तीन सवाल बचे हैं, एक बार सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, शानदार तरीके से सेशन को एक बार शेयर करेंगे सर, सभी लोग एक बार लाइक, सेशन को नहीं किया एक बार कर लो, सेशन को शेयर भी कर दो एक बार, और कमेंट में बताना सर 50 में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, जिसने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया एक बार कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा प्रत्येक दिन इसी क्लास का। 49 नंबर सवाल में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात असत्य है, गलत बात है, अल्फा अल्फा के बारे में गलत बात कौन सा है, गलत असत्य बातें पूछा है, उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, उनकी उच्च गतिज ऊर्जा होती है, वे धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं, बताएंगे। अल्फा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाया जाता है, किसमें, अल्फा में, तभी हम कहते हैं यह हीलियम के बराबर होता है कि परमाणु द्रव्यमान चार होता है, अल्फा में इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यह दो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा दो पॉजिटिवली चार्ज होता है, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं अल्फा में, अगर आपको ग्रुप डी में 25 में 25 लाना है साथी तो आपको डेली यहां पे 1 बजे के लिए क्लास आना पड़ेगा, डेली आपको 1 बजे वाली क्लास में आना पड़ेगा डेली, और 1 बजे मतलब 1 बजे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा सर, करेक्ट आंसर बता दो, ए नंबर। चलिए, यहां जो गलत होगा उसकी भेदन क्षमता सबसे कम हो, भेदन क्षमता उस उच्च भेदन क्षमता नहीं होता, निम्न भेदन, अल्फा का भेदन, बाकी सब सही है, आयनीकरण क्षमता होता है, उच्च गतिज ऊर्जा होता है, धनावेश हीलियम नाले, देखिए अल्फा बीटा और गामा में अगर बात करें, अल्फा का अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा हमारा नेगेटिव और गामा हमारा न्यूट्रल, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा का होता है, देखो सबसे ज्यादा भेदने की जो क्षमता है वो हमारा गामा का, सबसे कम अल्फा का, ये अल्फा जो है ना सबसे कम है, मोटा स्पीड दौड़ ही नहीं सकता, लेकिन हमारा गामा का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, तो भेदन क्षमता पूछेगा तो गामा का होगा, सबसे कम हमारा, उनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। सर ये क्लास इसलिए नहीं है आपका नंबर पूरा आ जाए, ये क्लास इसलिए है आप एग्जाम में ले जा सको अपने चीजों को जो आपने पढ़ाया, भेदन क्षमता आप दिखेगा गामा का सबसे ज्यादा होता है, बार बार कहता हूं सर प्लीज एब्सेंट मत कीजिए। गामा का होता है ज्यादा, आपके कहने से होगा विजय कुमार जी, और इतना कॉन्फिडेंट में हम बता रहे हैं ना, डैश वर्ग में प्राणियों का रक्त गर्म होता है, पक्षी वर्ग का, उभयचर का, सरीसृप या मत्स्य का, तो इसमें हमारा क्या होगा कोल्ड ब्लडेड, देख लो रेप्टाइल सब कोल्ड ब्लडेड में आएगा, और ये पक्षी वर्ग जो होता है ये हमारा एवीस पक्षी वर्ग या ह्यूमन, हम लोग जो आते हैं वो वार्म ब्लडेड आते हैं, इसका ए नंबर का रक्त गर्म होता है, सरीसृप का तो ठंडा होता है। अगला सवाल 50 नंबर, तलवार जैसी चोच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेषता क्या है, विशेष क्या है, यह एनटीपीसी का सवाल है, बताओ हमिंग बर्ड की एक विशेषता बताओ, बहुत आसान सा सवाल है, इसको बता देंगे साथी। हमने आपको पहला ही दिन बताया है कि ग्रुप डी का सिलेबस 30 नंबर रीजनिंग,
30 डेली बताता हूं, 30 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस और 20 50 30 80 और 20 जीके जीएस। इसमें आप 25 रीजनिंग करके आना, 25 मैथ, 20 मैथ करके आना, 20 साइंस करके आना और 10 जीके जीएस करके आना, फिर आपका रिजल्ट बनेगा। सर कैसे बनेगा देखो, 40 बीस 60 पांच 65 10 75 नंबर लेकर आओगे, इतना छोड़ने के बाद भी ये 75 नंबर तो लेकर आओगे। बार बार मैं बताता हूं 75 नंबर लाने का मूल रहस्य, गूढ़ रहस्य, इतना तो लाना ही पड़ेगा। अरे कटअप पार कर जाओगे तो क्या होगा, कटअप से 4 नंबर ज्यादा आना चाहिए तभी दौड़ के बाद मेरिट बनेगा। तो ग्रुप डी के लिए यह मत सोचो कि हम सिर्फ कटअप पार कर जाएंगे और पूरे मोहल्ले वाले को मिठाई खिला दे, बोलेंगे दौड़ ही नहीं पाए, दौड़ के बाद मेरिट ही नहीं बना, जीवन में सफलता में कोई बहाना ही नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसकी चोच जो होता है इसके शरीर से लंबी होती है, यही इसकी विशेषताएं हैं। जो हमिंग बर्ड है उसका जो चोच होता है ना सर, ये चोच जो होता है, चोच समझ रहे हैं ना, आपका भी चोच होगा, ये चोच जो है शरीर से क्या होता है, लंबी होती है। ये चोच जो है ये शरीर से लंबी होती है, इसकी एक विशेषता है कि चोच जो है इसके शरीर से लंबी होती है। इसका समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग मिलते हैं आप कल, फिर हम लोग मिलेंगे सर कितने बजे, कल नहीं कल संडे है, मंडे को हम लोग मिलते हैं शानदार सेशन के साथ फिर 1 बजे। प्लीज सर रिक्वेस्ट है सर, आप क्लास किसी भी परिस्थिति में एब्सेंट ना करें। इसके बाद एक टाइम और भी लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए बहुत जल्द, थोड़ा सा एग्जाम का डेट आ जा, सिर्फ विज्ञान के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप सिर्फ क्लास करते रहे, रिविजन कराना पढ़ाना, आपको घर में भी पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ 1 बजे आप आइए क्लास, वो हर चीज हम कराएंगे आपको, बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 33 एक बार और बताओ, चलो 33 नंबर क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 33 एक बार बताओ, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर क्वेश्चन किधर है, इधर आ जा। चलो ये देख, यदि एक स्ट्रिंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी L हो, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, पूछा है एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी, जल्दी से बताए, स्ट्रिंग और गर्त के बीच की दूरी जो है वो हमारा एल होगा, तो हमारा जो वेवलेंथ होगा, ये जो हमारा वेवलेंथ होगा ये 2L होगा। स्ट्रिंग क्या है, ये हमारा क्या कहता है, स्ट्रिंग होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सर 2L, 2L ही होगा।